हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहारी फ्राई कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले मैं आपको चारकोल में सेक कर कबाब बना कर दिखलाई हूँ। आज मैं यहाँ पे तवे पे फ्राई करके बनाऊँगी। आप कढ़ाई पैन किसी में भी फ्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है, बहुत काफ़ी अच्छे से फ्राई होती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से फ्राई की हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ बिहारी कबाब बना रही हूँ मैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैं हाफ के जी मटन के इस तरह से पीसेस ली हूँ। पतले पतले से बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसे मैं अच्छे से धुलकर छानकर मैं रख ली हूँ। इसके अंदर पानी नहीं है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैं एक पिंच फूड कलर ली हूँ। एक छोटी चम्मच में नमक ली हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। यहाँ एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ और हाफ छोटी चम्मच यहाँ मेथी पाउडर ली हूँ। मेथी एक छोटी चम्मच मेथी ली हूँ। इसे रोस्ट करके मैं कूट ली हूँ बारीक। उसमें से मैं हाफ छोटी चम्मच यहाँ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ एक छोटी चम्मच मैं ज़ीरा पाउडर ली हूँ। एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ली हूँ। दो छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और यहाँ दो हरी इलायची है, एक बड़ी इलायची है और एक जावित्री फूल है, छोटा सा है। इन सबों को पाउडर बना लेना है या कूट लेना है, जो भी इजी हो। तो मेरे पास यहाँ कूटा हुआ पाउडर है, मैं बना कर रखी हूँ। यहाँ हाफ छोटी चम्मच मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ तीन बड़ी चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और एक छोटी चम्मच यहाँ पपीते का पेस्ट है। बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊँगी बिहारी बूटी कबाब। सबसे पहले इसमें गरम मसाले पाउडर को डालूँगी। ये जो मैं पीसी थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री मिलाकर जो पाउडर बनाई हूँ मैं वो डाली हूँ। इसके बाद मैं नमक को डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ फूड कलर डालूँगी। आप चाहे तो फूड कलर नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद पपीते के पेस्ट को डाल दूँगी। यहाँ धनिया और मेथी पाउडर को डालूँगी, कुटी हुई मेथी को डालूँगी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लास्ट में तेल डालूंगी और डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूंगी। यहाँ मैं कबाब को काफ़ी अच्छे से मिला ली हूँ। इसे मैं 4 घंटे के लिए मैरिनेशन में रखूँगी। आपके पास वक्त है तो 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 घंटे के लिए इसे डीप फ्रीज में रखें, निकालें, इसे नॉर्मल करें और फ्राई करें। इससे पहले मैं सेकी थी। ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से बनाना है, जिस अंदाज से बनाएं बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत इसी तरीके से बना रही हूँ, तो चलिए इसे मैं स्टोर कर देती हूँ। यहाँ मैं 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बिहारी कबाब फ्राई करूँगी मैं। इससे पहले सेकी थी तो मैं स्टोर करके पहले भी बता चुकी हूँ, स्टोर करके मैं रखी हुई थी। तो चलिए इसे फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैं पहले से एक तवा रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तवा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके ऊपर मैं सरसों के तेल डालूँगी और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद ही इसमें कबाब के पीसेस को डालूँगी, तभी यम्मी और टेस्टी फ्राई होगा। तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं, मैं तवे पर कर रही हूँ। यहाँ तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर सारे मैं मटन के पीसेस को रख दूँगी, यानी कि बिहारी कबाब के पीसेस को अच्छे से रख दूंगी। तो चलिए मैं अच्छे से रख देती हूँ। फ्लेम को स्लो ही रखती हूँ। पीसेस को डाल दी हूँ, पलटूंगी नहीं और इसे मैं ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। इसके बाद मैं आपको खोल कर दिखलाऊंगी। 3 मिनट हो चुका है, मैं खोल के देख लेती हूँ। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में ही सारे पीसेस गल जाएंगे। इसे मैं यहाँ पलट दूंगी अच्छे से, कबाब के सारे पीसेस को अच्छे से पलट दूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे पैन में या कढ़ाई में प्याज को फ्राई करें, उसके बाद उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो मसाला मसाला सा हो जाएगा। ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ सारे पीसेस को अच्छे से उलट पलट दी हूँ। इसे मैं ढक दूँगी फिर 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद फिर मैं इसे खोल कर देखूंगी। बीच में एक दफ़ा और आप चला लें। यहाँ 3 मिनट हो चुका है, मैं खोल कर कबाब को देख लेती हूँ। काफ़ी अच्छे से कबाब फ्राई हो रही है। इससे पहले मैं बीच में एक दफ़ा चला ली हूँ। तेल कबाब के ऊपर आ चुका है,
तो इसे मैं अब सर्व करूँगी। सर्व करने से पहले एक मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। ज़्यादा फ्राई करूँगी तो ये कड़ा हो जाएगा। आप इसे ज़रूर फ्राई करें, इसे चपाती, पराठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। कबाब कई तरीके से बनाई जाती है और मैं यहाँ अपने बिहारी कबाब को दो तरीके से बनाकर दिखलाई हूँ। इंग्रेडिएंट्स एक ही है, इसे मैं फ्राई करके भी बता रही हूँ आपको और सेक कर भी बता रही हूँ। तो चलिए इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। यहाँ एक मिनट हाई फ्लेम पे मैं फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। फ्लेम को यहाँ मैं ऑफ़ कर देती हूँ। काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है कबाब, बहुत यम्मी लगता है। बिहारी कबाब बिल्कुल तैयार है। इसे मैं प्याज से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप धनिया पत्ती से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इसे चटनी, रायते, सैलेड किसी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बिहारी कबाब मैं फ्राई की हूँ। काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है, टेस्ट में भी कोई कमी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं यहाँ बहुत इसी तरीके से बनाई हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।